हे गाइस, हम साक्षी गोस्वामी, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग इंस्पायरिंग चैनल। गाइस, ये कुछ नया है आप लोगों के लिए, एक न्यू इनिशिएटिव है। इवन मैंने अभी जब मैं अनअकैडमी पर क्लास ले रही थी तो वहाँ पर भी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज से आप लोगों के लिए छोटी सी एक कोशिश है, छोटी सी एक पहल है, हो सकता है आप लोगों के ये सक्सेस कराने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, क्या है ये कि अभी तक मैं क्या कराती थी कि जब प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स रहते थे उनका रिवीजन करवाती थी, लेकिन इसमें अब डे वाइज, जैसे डेली का, लाइक आज 9 अगस्त है तो 9 अगस्त के 10 टू 15 करंट अफेयर्स 10 टू 15 मिनट के अंदर कराने का मेरा एक टारगेट रहेगा। एक क्विक रिवीजन बोल सकते हैं इसे। आपको जो मैं टू डू लिस्ट में दे रही हूँ आप हर जगह से बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिए, क्विजेज भी लगाइए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन मेरे साइड से एक छोटा सा एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो भी आप लोगों का मेंस का एग्जाम रहने वाला है उसको क्लियर करने के लिए जो भी एक छोटी सी मेरी पहल हो सकती है, इसको बिल्कुल आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं गाइस। मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लाइक की मैं आप लोगों से इस पर उम्मीद करती हूँ, बिकॉज मेहनत लगती है गाइस पूरी, अच्छे से करंट अफेयर्स ढूंढना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ढूंढना और उनको लिखना और फिर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं, आप लोगों को एक रिवीजन के तौर पर इसे पढ़ना है। लिखा इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में भी समझाऊंगी, इसलिए हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट क्या है, सजोड मरीन स्टेप्स डाउन एज इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम कोच। जो हॉकी टीम कोच के सजोड मरीन है, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का सीए आज का ये है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि इंडियन विमेंस हॉकी टीम के कोच कौन है, तो आप लोगों को नेम पता होना चाहिए, इस्तीफा दे दिया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। सेकेंड की मैं बात कर लूँ, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP has inducted its first women officer in combat, two women officers. Guys, two women officers को induct किया गया है ITBP में। नेम क्या है, नेम important है आप लोगों के लिए because ये first time हुआ है। प्रकृति एंड दीक्षा, दो नेम हैं, आपको याद होने चाहिए और इजीली याद हो जाएंगे, तो ये भी पता होना चाहिए अगर पूछ लिया जाए कि टू वुमेन ऑफिसर्स प्रकृति एंड दीक्षा को किस में इंडक्ट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ, ITBP में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में, राइट। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कैबिनेट सेक्रेटरी, पहले तो आप लोगों को नेम पता होना चाहिए कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी, तो गाइस कैबिनेट सेक्रेटरी आपके राजीव गौबा जी हैं। राजीव गौबा टर्म्स गेट्स वन ईयर का एक्सटेंशन मिला है, मतलब इनका जो कार्यकाल है उसको एक साल और बढ़ा दिया गया है, किनका, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज COVID-19, जो वैक्सीन आ रही है, आपको पता है ये फिफ्थ नंबर की वैक्सीन है, जैसे कि आपकी कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पूतनिक है, वैसे आपकी ये करके आपके जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज की वैक्सीन है। सिंगल डोज मतलब कैसे, जैसे बाकी सब में डबल डोजेस लग रही हैं, इसमें सिंगल डोज लग रही है। COVID-19 की वैक्सीन है, अप्रूव कर दी गई है इमरजेंसी के यूज़ में इंडिया के। इंडिया में आप लोग इमरजेंसी यूज़ के लिए अगर पूछा जाएगा कि कौन सी सिंगल डोज वैक्सीन आपकी अप्रूवल मिल गया है, तो वो है जॉनसन एंड जॉनसन्स की, ठीक है। इसको आप हिंदी में ना, इस करंट अफेयर्स को अपने तरीके से लिख सकते हो गाइस। सबसे बेस्ट सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है, जिससे मैं खुद भी पढ़ना प्रेफर करती हूँ गाइस। इवन आज भी मैं अगर तैयारी करती हूँ तो मैं अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना प्रेफर करती हूँ सबसे ज़्यादा। इस समय मैं इसलिए इस पे जोर दे रही हूँ बिकॉज आप लोगों का अप टू 70% तक का डिस्काउंट पे आप लोगों को मिल रहा है ईयरली पैकेज। अगर अभी तक नहीं लिया है ले लो, क्योंकि उससे पढ़ो, टाइम मत वेस्ट करो। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि उसका डेली पढ़ना और हर टाइम पे उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम निकालना है गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, BAC10 कोड लगा दोगे तो आप लोगों को मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट आप लोगों को मिलना होगा मिल जाएगा, राइट। तो उसको लेके उसे पढ़ना शुरू कर दो आप। डेली तो मैं आप लोगों को कवर करा रही हूँ, टू डू लिस्ट के थ्रू भी आप लोगों को पता चल जाएगा आपको कैसे कवर करना है, बट प्रीवियस मंथ के पढ़ते रहो, मेंस में बहुत हेल्प करेगा। और जिन्हें जिन्हें उम्मीद है ना कि एग्जाम निकल जाएगा, वो तो भाई मेंस के लिए तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, टाइम नहीं मिलने वाला है फिर।
नेक्स्ट मैं बात कर लूँ पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी विल लॉन्च उज्ज्वला 2.0। अब उज्ज्वला स्कीम थी उसका सेकंड वर्जन, उसका 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा किनके थ्रू, पीएम मोदी के थ्रू। ये आपको पता चलना चाहिए कि किसने लॉन्च किया था, तो मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY बाय हैंडलिंग ओवर LPG कनेक्शन। ये उज्ज्वला योजना किसके तहत है, LPG कनेक्शन के लिए है। एट कहाँ से लॉन्च हो रही है गाइस, तो UP के महोबा से 10 अगस्त 2021 में, मतलब कि कल लॉन्च कर दी जा रही है पीएम मोदी के थ्रू उज्ज्वला 2.0 स्कीम, राइट। इतना इसमें याद करना है आपको। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट है डे गाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, याद होने चाहिए आपको। इवन मैंने साथ में थीम लिखी है, मैं चाहती तो छोड़ सकती थी, बस ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थीम आपको याद होना। तो 9 अगस्त को, यानी कि आज कौन सा डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 अगस्त। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल का कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इसका क्या है, Leaving no one behind, indigenous peoples and the call for a new social contract। ये थीम आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इवन अगर आप चाहो तो इस वीडियो को दो बार देख लेना, लेकिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत कम समय में, कि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो। एक घंटा करंट अफेयर्स देने से अच्छा है मैं फटाफट लिख के, भले ही मुझे लिखने और ढूंढने में टाइम जाए, बट आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू रिलीजेस पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन माननीय चमन इन न्यू दिल्ली। अब बात सुन लो एक मेरी ध्यान से, ये पोस्टेज स्टैम्प्स डेट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा किसने लॉन्च किया, किसने रिलीज किया, तो आपको पता होना चाहिए। आपने VP वेंकैया नायडू जी ने किया है, किन पर, किन के उस पर किया है, तो माननीय चमन कहाँ, न्यू दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। माननीय चमन लाल पूरा नेम है गाइस। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, देखिएगा बुक है, इम्पॉर्टेंट बुक जो कि लॉन्च की गई है, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, इट कुड बी योर्स। ये ऑथर्ड कौन है, रमेश नारायण। पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, आप इसको ना अपने ट्रिक्स से भी याद कर सकते हो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को चीज़ें एकदम से फिट बैठ जाएँ, हमेशा हम ट्रिक के थ्रू याद करते हैं तो याद रह जाता है। ऐसे कर लो कि रमेश को इस बार सक्सेस मिली, या कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वेटरन एक्टर शबाना आजमी हैज लॉन्च द बुक, लॉन्च किया है शबाना आजमी ने कौन सी बुक, द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड। देखो ये जो ब्रिशा जैन है ना, इन्होंने एक, ये 14 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, कोलकाता की हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। तो ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनको लॉन्च किसने किया है इस बुक को, शबाना आजमी जी ने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑथर के नेम बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेघालय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू COVID-19 पेशेंट अंडर आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। अब इस वाली न्यूज़ में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए मेघालय इम्पॉर्टेंट है, और कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे नेम दे दिया जाएगा स्कीम का और पूछ लिया जाएगा कि किसने लॉन्च किया, तो आपको पता चाहिए मेघालय ने, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। नेक्स्ट, इंडियन नेवी अंडरटुक बायलेटरल एक्सरसाइज जायर तलवार 2021 विद UAE नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ अबूधाबी। अबूधाबी के कोस्ट पर इंडियन नेवी एंड UAE के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नेम है जायर तलवार 2021। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जायर तलवार एंड UAE एंड इंडियन नेवी, और कहाँ, अबूधाबी, ठीक है। अब मैं स्पोर्ट्स की बात कर लूँ, तो स्पोर्ट्स में आपको पता है टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन के लिए, आपके मेंस के लिए, आपके GA के लिए। आपको पता होना चाहिए बजरंग पुनिया क्लिंचेस मेंस 65 kg रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। अब ये है आपका 13 नंबर का न्यूज़, जिसमें क्या है, पोलैंड्स जैन क्रिस्टोफ डूडा, थोड़ा सा नेम टफ है, इसको आप डूडा से भी कर सकते हो, पोलैंड्स डूडा विंस फाइड वर्ल्ड कप 2021। तो डूडा को फाइड वर्ल्ड कप 2021 में उन्हें जीता है, पोलैंड्स के हैं ये, पोलैंड के हैं।
क्विट इंडिया डे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें ये नहीं पूछेगा, सब कुछ दे देने के बाद से ये पूछ लेगा। देखो ये आपको दे दिया जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को मनाया गया, इस वर्ष उसकी कौन सी वर्षगांठ थी, इस वर्ष उसकी कौन सी एनिवर्सरी थी। तो गाइस 79th एनिवर्सरी थी, ये आपको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट की। बिल्कुल बताइएगा। देखो मैंने 10 मिनट में आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। बिल्कुल आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। ये रेगुलर मिलेगा अगर आप लोगों के, आप लोगों ने इसे अच्छे से शेयर किया, व्यूज़ अच्छे गए, तो मैं इस मेहनत को बिल्कुल जारी रखूंगी और आप लोगों का सलेक्शन कराने में थोड़ी बहुत मदद करूंगी गाइस। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, बहुत अच्छे से वॉच करो। अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।